गाजियाबाद पत्रकार हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इस पूरे मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं। पत्रकार हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 हफ्ते में दाखिल की चार्जशीट और इसके साथ आपको बता दें कि सभी आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी बड़ी और अहम कार्रवाई। तो पुलिस ने 3 हफ्ते में ये चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो गई थी और साथ ही लगातार मांग भी की जा रही थी कि जल्द ही कार्रवाई इस पूरे मसले पर हो, लेकिन 3 हफ्ते हो गए हैं, अब जाकर ही चार्जशीट दाखिल हो रही है। पुलिस ने 3 हफ्ते में दाखिल की चार्जशीट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। तीन हफ्ते बाद दाखिल हो रही है चार्जशीट पत्रकार हत्या मामले में, एक बड़ा अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। तीन हफ्ते बाद चार्जशीट दाखिल और अब इस पूरे मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी बड़ी और अहम कार्रवाई। पुलिस ने 3 हफ्ते में दाखिल की है चार्जशीट। आपको बता दें कि पत्रकार जो कि अपने बांजू के साथ जा रहा था और उसी वक्त कुछ लोग छेड़खानी कर रहे थे इस पत्रकार की भांजी के साथ, जिसका विरोध पत्रकार ने किया लेकिन उसको सरेआम मार दिया क्या भांजी ने और बच्ची ने शिकायत की, जिसके बाद आपको बता दें कार्रवाई हुई है। लेकिन 3 हफ्ते बाद दाखिल हुए चार्जशीट। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से भी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में भिड़ गए अधिकारी, दो अधिकारी भिड़े आपस में, खंड शिक्षा अधिकारी और व्यायाम शिक्षक में मारपीट देखने को मिली है। घटना के 7 दिन बाद वीडियो सामने आया है और कोशिश करेंगे वीडियो दिखाने की। खंड शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले पर शिकायत भी की है। ये देखिए तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए खंड शिक्षा अधिकारी और व्यायाम शिक्षक के बीच ये मारपीट हो रही है। पुनीत हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पुनीत, ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बीएसए के कक्ष का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। बिल्कुल देखिए नलनी, सही कहा आपने, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के मंदिर का ऑफिस है और ये जंग का जो है मैदान बन चुका है। जिस तरीके से वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक खंड विकास अधिकारी और एक व्यायाम टीचर इसी बात को लेकर के इतना भड़क गए कि दोनों में आपस में वहां मारपीट हो गई। हालांकि खंड विकास अधिकारी ने इस टीचर के खिलाफ में पुलिस में तहरीर दी है, साथ ही पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों टीचर हैं, एक खंड विकास अधिकारी है और एक व्यायाम टीचर है, तो क्या ये शिक्षा बच्चों को देंगे जब खुद ही जो है जंग के मैदान में इस तरीके से लड़ रहे हैं। जी, लेकिन सीधे तौर पर इससे ये भी साफ तौर पर पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में पेशेंस लेवल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं, कहीं आपस में पुलिस भिड़ जाते हैं, दो शिक्षक आपस में भिड़ जा रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से ये आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है ये बताया जा रहा है कि एक कमीशन को लेकर के शायद ये पूरी जंग लड़ी जा रही है, जिसके चलते उनका ये कहना था कि पहले जो काम किया उसका हमें पूरा ब्यौरा दीजिए, और वो खंड विकास अधिकारी ने ब्यौरा मांगा तो व्यायाम टीचर था वो इस बात को नकार रहा था, साथ ही उसकी जो तनख्वाह थी उनको वो नहीं निकाल रहे थे, इस बात को लेकर के दोनों में काफी जो मारपीट हुई। बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दो अधिकारी आपस में भिड़ रहे थे। अब आपको अपडेट दे देते हैं कोरोना को लेकर। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, 24 घंटे में कोरोना के 64,000 नए केसेस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24,59,000 के पार है। कोरोना से अब तक 48,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ये चिंताएं भी बढ़ाता है प्रशासन की।
देश के बाद अब बात प्रदेश की और बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर 1,40,775 कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 4,537 पॉजिटिव और 50 की मौत हो रही है। अब तक 88,786 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है और प्रदेश में 49,709 मरीज सक्रिय हैं। कोरोना से अब तक 2,280 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये आपको अपडेट दे रहे हैं कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के क्या ताजा आंकड़े हैं, देख सकते हैं आप। 24 घंटे की रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए 6 तस्वीरें, लखनऊ में 621 नए मरीज, कानपुर में 358, प्रयागराज में 220, गोरखपुर में 308, बलिया में 165, सहारनपुर में 123 नए मरीज। ये जो थे 6 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें बताती हैं कि ये नए केसेस सामने आए हैं। और सबसे ज्यादा देखिए लखनऊ में 621 नए मरीज सामने आ रहे हैं, कानपुर में 358, यानी कि सबसे नंबर वन पर लखनऊ चल रहा है कोरोना केसेस के मामले में, दूसरे नंबर पर कानपुर, तीसरे पर प्रयागराज। इसी तरह से गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर में सबसे ज्यादा केसेस कानपुर के बाद सामने आ रहे हैं, 308 मरीज। इसके बाद आप देखिए प्रयागराज में 220, बलिया में 165 और सहारनपुर में 123 नए मरीज सामने आ चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक केसेस लखनऊ में, 621 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कानपुर दूसरे नंबर पर, 358 नए मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना के, और ये बढ़ते हुए आंकड़े चिंताएं बढ़ा रहे हैं प्रशासन के। हालांकि इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है, पुलिस महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट है, अस्पतालों में भी प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति है कोरोना महामारी के मद्देनजर, ये 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। सबसे ज्यादा लखनऊ में 621 नए मामले, और ये सीधे तौर पर लापरवाही का नतीजा है। जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं कोरोना को लेकर, सैनिटाइजेशन का काम तो चल ही रहा है, लेकिन प्रशासन पर सिर्फ निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी साथ देना होगा। मास्क पहनकर लोग नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। गोरखपुर से सुशील हमारे रिपोर्टर और लखनऊ से अभिषेक हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं सुशील, 308 केसेस तीसरे नंबर पर आप गोरखपुर, आप इतने ज्यादा केसेस सामने आना प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ाता है। देखिए जो पहले नली आपको आंकड़ा बता दूं कि जो अधिकारी पुष्टि हुई है उसमें कल 275 जो है पेशेंट पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से अभी तक 1,046 जो है डिस्चार्ज भी हुए हैं और 80 की मौत लगभग हो चुकी है, और अभी भी तकरीबन 2,131 जो केस हैं वो एक्टिव है और 1,419 के आसपास होम आइसोलेट हैं। और टोटल आंकड़ा की अगर बात करें तो अभी तक 4,672 यानी 4,672 जो है पॉजिटिव केस मिल चुके हैं अभी तक, तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल की संख्या में 323 मिले थे, परसों की संख्या में 323 मिले थे और कल 275 मिले हैं, तो ऐसे में लगातार जो संख्या बढ़ता जा रहा है, जो संख्या कभी 30 और 40 हुआ करता था आज वो 100 पहुँचा, 100 से 150 पहुँचा, 150 से आज 300 पार कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये आंकड़ा तब बढ़ रहा है जब जिला प्रशासन की तरफ से चार चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसके बाद भी ये आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि या तो कहीं ना कहीं उनका ये जो ट्रायल है चार थानों में लॉकडाउन, ये पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है, या प्रशासन पूरी तरीके से इसको समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से इसके चैन को तोड़ना है। लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 हफ्तों में 2 बार आ चुके हैं, 2 बार कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ का जिला प्रशासन या पुलिस महकमा इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन कराना होगा, जो लॉकडाउन के अंदर दौरान जो दुकानें बंद हैं उनको बंद रखना होगा और सड़कों पे आवागमन कम करना होगा, तब जाकर के इस चैन को तोड़ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है पूरी तरीके से नदारद नजर आता है, जिसका नतीजा ये नजर आ रहा है कि आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभिषेक, क्या इसके पीछे की वजह माना जाए, चूक सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है और लखनऊ तो नंबर वन पर है। देखिए नलिनी, इसके पीछे जो वजह है साफ तौर पर यह है कि जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन ना होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है।
दूसरी बात यह है कि जो इस लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो आपदाएं हैं वो एक कहर बन के टूट रही हैं, वो कोरोना हो या डेंगू से मौतें हों, या सबसे बड़ी बात लखनऊ में अब ये निकल के आ रही है कि जो निजी अस्पताल हैं उनकी मनमानी नहीं थम रही है, जिसका नतीजा ये है कि आखिरकार जो स्थानीय नागरिक है वो पहले से ही कोरोना की चपेट में चल रहा है। अब जो उसके लिए नई समस्या ये खड़ी हो गई कि 1.5 लाख रुपये यदि आपके पास हैं तभी आपको निजी अस्पतालों में भर्ती होगी, जिसको लेकर ये चर्चाएँ लगातार तेज रही हैं। इंडिया न्यूज़ ने भी ये आवाज़ उठाई थी, उसका नतीजा अब ये निकल के आया है कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक कमेटी गठित कर दी है और जो इसमें नियमावली बनाई गई है, जो 18 से 20 हज़ार तक के रुपए लेने वाली बात थी उसमें साफ तौर पे कमेटी गठित करके निर्देश दे दिया है कि अब निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी और उनको जो बिल बनेगा वो बिल को सीएमओ के पास भेजना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि अभी तक जो लूट मची थी वो लूट जारी है, लेकिन जो डीएम की गाइडलाइन है अभी इसका ये कितना सख्ती से पालन करा पाएंगे ये एक बड़ी बात है। लखनऊ में जो कंटेनमेंट जोन है उसको लेके मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन निकल रहे हैं उनमें पूर्ण रूप से जो वहाँ कम से कम जाँचें कराई जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जाँचें कराई जाएँ, ये मुख्यमंत्री के दावे किए गए हैं। तो लगातार जो लखनऊ की स्थिति है वो बदहाल है, कोरोना चरम पे है, कोरोना का नियंत्रण और कोरोना की चैन टूटने में बिल्कुल जो जिला प्रशासन वो नाकाम समझ में आ रहा है। बस ये समझ में आ रहा है कि जो खाना पूर्ति चल रही है वो जारी है, लेकिन लखनऊ में कोरोना नियंत्रण यानी कि सरकार निर्देश लगातार दे रही है लेकिन निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट देने के लिए। और गोरखपुर और लखनऊ में क्या ताजा आंकड़े थे हम आपको अपडेट दे रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में क्या ताजा परिस्थिति है। कोरोना महामारी के मद्देनजर 24 घंटे में कोरोना के 416 नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसके साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4103 पर जा पहुंची है। यह हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं कोरोना महामारी के मद्देनजर कि उत्तराखंड में क्या ताजा हालात हैं। आप देख सकते हैं परिस्थिति कहां पर जा पहुंची है और डेली बेसिस पर ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए केसेस नजर आ रहे हैं। कोरोना के 416 नए मरीज मिलने से 11,000 के पार संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का डेली बेसिस पर हेल्थ बुलेटिन जारी करता है, उसके अनुसार अल्मोड़ा में और बागेश्वर में 9 लोगों की अब तक बताया जा रहा है कि पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ उत्तरकाशी में 15, पौड़ी में 5, हरिद्वार में 107 सर्वाधिक केसेस सामने आ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में भर्ती 3 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में अभी तक कुल 2,42,000 सैंपलों की टेस्टिंग भी हो चुकी है। सुभाष गौर हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष गौर, लगातार केसेस उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं जो कि प्रशासन की चिंता तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन सैंपलिंग और टेस्टिंग को कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया? पहले की तुलना में जो सैंपलिंग और टेस्टिंग थी वो जरूर प्रदेश में बढ़ा दी गई, लेकिन बावजूद उसके देखा जा रहा मरीजों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से रोजाना 400 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो लगभग 11,000 के पार पहुंच चुका है, यानी कि कहा जा सकता है कि जो मरीजों का आंकड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्योंकि 6,000 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,000 से अधिक जो मरीज हैं वो अभी जिनका इलाज है वो अस्पतालों में चल रहा है, अलग अलग जिलों में चल रहा है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है और प्रदेश में कोरोना वायरस जैसा संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है यहाँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुभाष गौड़ अपडेट दे रहे थे कि क्या परिस्थिति उत्तराखंड में, और इसी के साथ टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया, हालांकि केसेस थम नहीं रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।